संभल में पिछले काफी समय से मिठाई के दुकानदारों के द्वारा फैंसी और सुंदर डिब्बे बनाकर ग्राहकों को डिब्बों का वजन मिठाई के साथ तोलकर मिठाई बेचने की शिकायतें उच्च अधिकारियों को मिल रही थी। शुक्रवार को संभल सदर कोतवाली इलाके में SDM दीपेंद्र यादव ने खाद्य विभाग और बाट माप निरीक्षक की टीम को साथ लेकर अचानक शहर के प्रमुख मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की तो हड़कंप मच गया। SDM ने सिर्फ टीम के साथ मिठाई और बेकरी शॉप टेम्पटेशन व नंदन और गुरु स्वीट सहित आधा दर्जन दुकानों पर छापेमारी की तो SDM ने दुकान पर पहुंचकर मिठाई के डिब्बे को उठाकर वजन कराया तो दुकानों पर रखे हुए मिठाई के खाली डिब्बे का वजन 100 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक मिला। SDM ने छापेमारी के दौरान देखा कि मिठाई के वजन के साथ इन डिब्बों का वजन तो नहीं तोला जा रहा, लेकिन एक दुकान पर छापेमारी की खबर मिलते ही अचानक हड़कंप मचा तो मिठाई दुकानदार अलर्ट हो गया, जहां SDM ने मिठाई दुकानदारों से कहा कि वे मिठाई के साथ डिब्बों का वजन न करें और यदि इस तरह मिठाई के साथ डिब्बे का वजन करता हुआ पाया गया तो वे मिठाई दुकानदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं इसी के साथ खाद्य विभाग की टीम ने नंदन स्वीट से तरह तरह के रंगीन केक के सैंपल लिए हैं जिनको केक पर रंग लगे होने की आशंका के चलते जांच के लिए भेजा जा रहा है। SDM दीपेंद्र यादव का कहना है कि मिठाई के डिब्बों को मिठाई के साथ तोले जाने की शिकायत काफी दिनों से लगातार मिल रही थी, जिसको लेकर त्यौहार के मद्देनजर खाद्य विभाग और बाट माप निरीक्षक की संयुक्त टीम के साथ मिठाई के दुकानदारों पर छापेमारी की गई, जिसमें 100 ग्राम से लेकर मिठाई के डिब्बे रखे हुए मिले हैं, लेकिन दुकानदारों ने मिठाई के डिब्बे अलग से देने की बात कही है। इस मामले में लगातार निगरानी कराई जाएगी और यदि कोई भी मिठाई दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बे का वजन करता है तो वह उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। छापेमारी की गई, सर वेट चेक कराया गया डिब्बों का, सर क्या था पूरा मामला? ये दीपावली के त्यौहार के दृष्टि से कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग तथा बाट माप निरीक्षक इनके साथ ये संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया है कि क्या मिठाई के वजन से मिठाई के साथ साथ डिब्बों को भी तो नहीं तोला जा रहा है, और सभी दुकान जो प्रमुख विक्रेता हैं उनके हम लोगों ने डिब्बों का वजन कराया है और डिब्बों का वजन 125 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक निकला है। जनता में भी हम इस बात की जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि मिठाई के वजन में उसके डिब्बे का वजन सम्मिलित नहीं है, तो इसलिए जो है जब वो मिठाई लें तो विक्रेता को अवश्य बताएं, जिसके दुकान से खरीदें उसको जरूर बताएं कि डिब्बे का वजन वो अलग करें। साथ ही साथ अगर कोई प्रतिष्ठान वाला ये सोचता है कि डिब्बे में लागत आती है तो वो डिब्बे के बिना अपनी दुकान का नाम लिखा दीजिए, कोई विज्ञापन ना हो रहा हो, प्रचार ना हो रहा हो, ऐसे डिब्बे का मूल्य वो अलग से ले सकता है, परंतु अगर अपने स्थान की दुकान का नाम उस पर अंकित कराया हुआ है तो उसे वो स्थान के साथ ही उसको देना पड़ेगा, वो निःशुल्क होगा। तो ये जागरूकता फैलाने के लिए प्लस बस स्थिति की जाँच करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। क्या सर मौके पर जो है सर मिला है मिठाई जो डिब्बों में तुलती हुई मिली? नहीं, अभी डिब्बे जब आया तो लोग हट गए थे और तोलते हुए तो नहीं मिला, लेकिन हमने डिब्बों का वजन किया। इसको लेकर जो सर शिकायत भी की गई थी कि डिब्बे जो है सर मिठाई में जो सर तोले जा रहे हैं, तो क्या जो है सर आशंका यही है कि तोले जा रहे हैं? इस बात की शिकायतें मिली हैं और हम लोग भी आम आदमी की तरह तमाम जगह पर जाते हैं और देखते हैं, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि मिठाई विक्रेता जो है मिठाई के साथ उस डिब्बे को तोलते हैं और एक सरासर जो है आँख में धूल झोंकने का काम है, और जो नियम विरुद्ध है और इसके विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक, थैंक यू।